हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड ब्रीडिंग। दोस्तों, से लास्ट वीडियो हमने कॉकटेल की मटकी हैंग करने के ऊपर बनाई थी और काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपने हॉलैंड बजीज की जो है उसमें बॉक्सेस वगैरह लगाने जा रहा हूँ। तो 5 बॉक्स मेरे पास अभी हैं और इस तरफ वाले सेक्शन में 5 पेयर पड़े हुए हैं, तो इनमें ही मैं बॉक्स लगा दूंगा। तो बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, ये पेयर के लिए बॉक्स है और इसकी जो लेंथ है यहाँ से करीब 9 इंच ही है। तो अंदर अंदर इनको करीब 8 इंच मिलेगा, क्योंकि आधा इंच ये कम हो जाएगा। और चौड़ाई करीब 8 इंच ही है तो अंदर 7 इंच मिलेगा, और इधर से भी जो है ऊंचाई करीब 8 इंच ही है तो 7 इंच मिलेगा। तो अंदर अंदर बर्ड को जो है वो 8x7x7 का स्पेस मिलेगा, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और चेक करने के लिए भी हमने एक विंडो बना रखी है, इसपे यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और क्योंकि बजीज जो है वो बिना नेस्टिंग के ही एग ले करती हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो लास्ट ईयर ही मैंने ब्रीड ली थी तो उसमें एग जो थे वो इसी गड्ढे के अंदर रखे थे बर्ड ने। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, नेस्ट लगाने से पहले बॉक्स इसमें वही सेम तरीके से एरिना ईपी जो पाउडर है इसको अच्छे से इसमें डाल के पूरा पाउडर छिड़क के, और इसमें जो है वुड सेविंग ये बची हुई है, ये वुड सेविंग हम डाल देंगे। तो अभी हम और ले आएंगे, क्योंकि हम कॉकटेल के लिए लेके आए थे, बट अभी और ले आएंगे, इनमें पूरे बॉक्स में शायद ना लग पाए। तो अभी हम चलिए इसको रेडी करते हैं बॉक्स को, फिर हैंग करते हैं उसमें और फिर दिखाते हैं आपको कि सेटअप जो है बॉक्स लगने के बाद कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें पाउडर हमने नीचे बिछा दिया पूरे में, अब इसमें जो है हमको वुड शेविंग डाली है। तो दोस्तों, वुड शेविंग भी इसमें बिछा दी है, अब ये बॉक्स एकदम रेडी है पेयर को देने के लिए। उसी तरीके से सारे बॉक्स हम रेडी कर लेते हैं, फिर हैंग करके आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, 3 बॉक्स में जो है लगा दी है, और 3 बॉक्स में नेस्टिंग हो गई थी बट बाकी 2 में नहीं हुई। तो अभी 2 में नहीं हैंग करा, एक ये ऊपर पेयर है और ये पेयरों में लग गई है। एक इसमें बॉक्स लगा दिया, एक इधर लगा दिया है और एक नीचे लगा दिया। तीनों पेयर में आपको दिखा देता हूँ। इसमें TCB शो क्रॉस की फीमेल है और हॉलैंड का डार्क ग्रीन का मेल है। और उसके बाद ये मेरा एक पेयर है जिसमें ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है और गोल्डन फेस में मेल है डार्क ब्लू में। और ये दोनों जो मेरा पेयर है ये स्प्लिट क्लियर विंग भी हैं दोनों। इसी पेयर से जितने मेरे पास क्लियर विंग वगैरह बच्चे आए हैं वो इसी से निकले थे, तो इसमें लगा दिया। बाकी एक पेयर ये है गोल्डन फेस में, एक्वा कलर है ये, आपको थोड़ा ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा बट ये एक्वा में है। और इससे भी देख सकते हैं रिजल्ट इससे क्या आएगा, इंशाल्लाह देखते हैं। पेयर पूरा सेम है बिल्कुल, और ये पेयर लगा हुआ है इसमें भी, अब इंशाल्लाह जैसे ही हम लेके आएंगे अब वुड शेविंग वैसे इसमें लगा देंगे। और यहाँ पर एक पेयर है आप देख सकते हैं, इसमें जो क्लियर विंग की एक फीमेल दिख रही है लेफ्ट साइड वाली, वो इसी पेयर की है। और इसमें भी जो मेल लगा है वो गोल्डन फेस एक्वा में है, तो इसमें भी जो है हम बॉक्स लगा देंगे। आज ही हम लेके आ जाएंगे वुड शेविंग, और फिर उसके बाद इस तरफ वाले जो पेयर हैं इसमें हम मटकियाँ यूज़ करेंगे। हमारे पास इस साइज़ की मटकियाँ हैं, सॉरी यानी ये वाले साइज़ की, तो इसी साइज़ की हम मटकी यूज़ करेंगे। इसमें आराम से हॉलैंड का पेयर इसमें ब्रीड कर सकता है। तो इसमें भी एक पेयर जो है वो क्लियर विंग का आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हॉलैंड में माशाल्लाह साइज़ और क्वालिटी दोनों ज़बरदस्त है। जैसा भी रिजल्ट रहेगा आप लोग के साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगा। और इसमें जो है गोल्डन फेस में FBG मार्किंग में ग्रे विंग की फीमेल है ऑफलाइन में, और डार्क ब्लू ऑफलाइन का इसमें मेल है। इसमें जो है वाइट फेस का मेल है बेसिक में, और MS स्पैंगल की इसमें फीमेल है। दोस्तों, वीडियो में साइज़ वगैरह समझ में नहीं आता है, बट अगर आप सामने से देखेंगे तब इनका साइज़ आपको समझ में आएगा। काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ है और क्वालिटी भी है। और अभी इसमें 3 पेयर रह गए हैं, वो जैसे ही बॉन्डिंग वगैरह होगी पेयर की तो हम उसको भी सेपरेट कर देंगे।
बाकी आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। जब पूरी मटकियां और बॉक्सेस वगैरह लग जाएंगे हॉलैंड में तो आप लोग के लिए एक फ्रेश वीडियो फिर से बना के दे देंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के लिए उसका इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। तो याद ये मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।